तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि एक कसम खा लेता है कि वह 40 दिन तक का इस्तेमाल नहीं करेगा और ना ही किसी लड़की के साथ संबंध बनाएगा। मूवी की शुरुआत में हम मेट नाम के एक को देखते हैं जो गर्लफ्रेंड बनाने में एक्सपर्ट है। जब मेट किसी गर्ल का खरबूजा देखता है तो वह गुफाओं के दर्शन करना चाहता है। मेट एक रेस्टोरेंट में बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो देख रहा होता है जिसका हाल ही में मेट से ब्रेकअप हो गया है। इसके बाद मेट अपने भाई से मिलने चर्च में जाता है। वहाँ उसका भाई चर्च में फादर बनने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। मेट अपने भाई से कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हो गया है और मैं उसे भूलना चाहता हूँ। मेट बताता है कि अपनी गर्लफ्रेंड को भूलने के लिए उसने कई गर्ल के साथ गपागप भी किया, पर वह जब भी गपागप कर रहा होता है तो उसे दीवार में क्रेक दिखने लगता है। इसकी वजह से वो डर जाता है और किसी भी गर्ल को संतुष्ट नहीं कर पाता है। मेट की बातें काफी अजीब होती है, इसलिए उसका भाई भी उसकी हेल्प नहीं कर पाता है। अगले दिन मेट अपने दोस्त से मिलता है, फिर दोनों शाम को एक बार में जाते हैं। बार में उसका दोस्त दारू पीने लगता है, तभी वहाँ मेट को एक लड़की मिलती है जिससे वह बातें करने लगता है और फिर उसे गर्लफ्रेंड बना लेता है। लेकिन तभी मेट को छत में दरार दिखता है जिसे देखकर मेट बहुत डर जाता है और तुरंत वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन मेट अपने ऑफिस में जाता है। वहाँ कैंटीन में जाने के बाद मेट को पता चलता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की एंगेजमेंट हो रही है। यह सुनकर मेट को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद मेट भागते हुए उस जगह पर जाता है जहां आज उसके गर्लफ्रेंड की एंगेजमेंट हो रही होती है, परंतु मेट को पहुंचने में बहुत देर हो जाती है। वहां पहुंचने के बाद मेट को बहुत दुख होता है, लेकिन तभी उसे वहां पर एक लड़की दिखती है। मेट उस लड़की से बातें करता है। इसके बाद मेट अपने भाई के पास जाता है और सारी घटना की जानकारी देता है और उदास मन से अपने भाई से कहता है कि मैं अगले 40 दिनों तक अपने हाथों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूंगा। इसके बाद उसका भाई मेट का मजाक बनाता है, परंतु मत अपने भाई को विश्वास दिलाता है कि वह यह कसम पूरी करके रहेगा। इसके बाद मेट घर पहुंचकर उन सारी चीजों को हटा देता है, जैसे कि सीडी पिक्चर मैगजीन, यहां तक निकोल की पिक्चर भी। मेट अपना पहला दिन बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर लेता है। इसके बाद वह खुद को बिजी रखने के लिए बहुत से छोटे मोटे काम करता है। तभी वहां रेन आता है। वह मेट से क्लब चलने के लिए कहता है, लेकिन मेट उसे मना कर देता है। मेट बहाना बनाता है कि उसे कपड़े धोने हैं, इसलिए वह क्लब नहीं जा सकता है। शाम को मेट जब लॉन्ड्री में जाता है तो वहाँ उसे एक लड़की मिलती है। उस लड़की का नाम एरिका होता है। एरिका को मेट पसंद आने लगता है। एरिका और मेट दोनों आपस में बातें करते हैं, लेकिन मेट अपने वादे के अनुसार उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। मेट वहाँ गूंगा होने का बहाना करता है क्योंकि उसने 40 दिन तक इन सबसे दूर रहने की कसम खाई थी। इसके बाद एरिका मेट से कहती है, तुमसे फिर मुलाकात होगी। इसके बाद एरिका वहां से चली जाती है। अब एक सप्ताह हो चुका है। मेट ने एक सप्ताह से कुछ भी नहीं किया है। वह अपने काम पर बहुत ध्यान देता है। उसका काम देखकर उसका बॉस भी खुश होता है। दूसरी ओर हम रेन को देखते हैं। उसे मेट के गंदे मैगजीन डस्टबिन में मिलते हैं। वह उन मैगजीन को लेकर मेट के पास जाता है और उससे इसकी वजह पूछता है। मेट उसे अपने 40 दिन वाली बात को बताता है। धीरे धीरे यह बात पूरे ऑफिस में फैल जाती है क्योंकि रेन ने यह बात सबको बता दिया था। मेट के कुछ दोस्त इस बात को इंटरनेट पर भी डाल देते हैं। अब यह बात पूरे शहर में फैल चुकी होती है। धीरे धीरे सब लोग मेट पर सट्टा लगाते हैं। अगर मेट 40 दिन तक कंट्रोल नहीं कर पाता है तो सट्टा लगाने वाले लोगों को पैसे मिलेंगे। मेट के प्रॉमिस के बारे में सब लोग जान गए थे, लेकिन मेट को यह सब बातें मालूम नहीं थी। जो लड़कियाँ मेट के ऑफिस में काम करती है उनके बीच भी यह बात पहुंच जाती है। यह लड़कियाँ आपस में कहती हैं, तुम लोगों को क्या लगता है, क्या मेट अपने आप को रोक पाएगा? तभी दूसरी लड़की कहती है, मेट 40 दिन तो क्या, अब 40 मिनट भी नहीं रोक पाएगा। इसके बाद वह मेट के पास जाने लगती है। उस वक्त मेट अपना काम कर रहा था, तभी वह की मेट के पास आती है। मेट किसी तरह अपने अंदर कंट्रोल लाता है और वहाँ से चला जाता है। अगली सीन में जब मेट कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री में जाता है तो उसे वहाँ फिर से एरिका मिलती है। मेट उससे बातें करने लगता है। इसका मतलब ये है कि अब मेट भी एरिका को पसंद करने लगा है। ये दोनों साथ में घूमने जाते हैं, डेट पर जाते हैं, इंजॉय करते हैं। परंतु एक दिन हम देखते हैं कि मेट जब एरिका घर पर छोड़ने गया था तो एरिका उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन मेट वहां से भाग जाता है। अगले दिन जब मेट ऑफिस पहुंचता है तो कैंटीन का वेटर उसके डेट के बारे में पूछता है। उसकी बातों को सुनकर मेट बहुत हैरान हो जाता है। वह सोचता है कि इसे मेरे डेट के बारे में कैसे मालूम हो गया, मैं तो यह बात सिर्फ अपने फ्रेंड रेन को बताई थी। तभी वहां क्रिश आता है। वह मेट को उसके बारे में बताता है। वह कहता है, तुम्हारी कहानी इंटरनेट पर वायरल हो गई है, तुम्हारे कसम के बारे में सब लोग जान गए हैं। फिर एरिका को भी मेट के बारे में मालूम हो जाता है। फिर एरिका मेट से मिलती है। वह मेट पर काफी गुस्सा थी। एरिका को यह लगता है कि मेट ने कसम पूरा करने के लिए उसका इस्तेमाल किया है। इसके बाद मेट अपने दोस्त पर बहुत गुस्सा होता है। अगले हफ्ते जब मेट अपने कपड़े धोने जाता है तो वहाँ एरिका नहीं आती है। तभी मेट को वहाँ एक लेटर मिलता है। लेटर में एरिका ने उसे डिनर के लिए इनवाइट किया था। इसके बाद मेट एरिका से मिलता है। तभी मेट को उसकी एक गर्लफ्रेंड निकोल दिखाई देती है जो किसी दूसरे लड़के के साथ होती है। निकोल को देखकर मेट उदास हो जाता है
और वह तबीयत का बहाना बनाकर वहां से जाने लगता है, लेकिन गलती से उसके शर्ट में आग लग जाती है, जिसकी वजह से वह चीखने लगता है। सब लोग मेट को देखने लगते हैं। तभी निकोल भी मेट को देख लेती है। फिर निकोल मेट के पास आती है और उससे बातें करने लगती है। यहाँ मेट एरिका को निकोल से मिलवाता है। एरिका फिर से मेट पर गुस्सा हो जाती है। वह कहती है कि तुमने अपने गर्लफ्रेंड के बारे में क्यों नहीं बताया। इसके बाद वह गुस्से में वहां से जाने लगती है। अगले दिन ऑफिस में जब मेट अपना काम कर रहा था, तभी वहां दो आती है और मेट की कसम तुड़वाने के लिए, लेकिन किसी तरह मेट यहां से बचकर निकल जाता है। फिर मेट अपने भाई के पास जाता है। मेट अपने भाई से कहता है, उसका भाई मेट को समझाते हुए कहता है कि हमें डैड के पास चलना चाहिए। इसके बाद दोनों भाई अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं। तभी मेट के डैड उसे अपनी जवानी के बारे में बताते हैं। वह अपने सेक्सुअल लाइफ के बारे में भी बताते हैं। यह सुनकर मेट को बहुत अजीब लगता है और वह यहाँ से जल्दी से निकल जाता है। मेट किसी तरह 35 दिन बिता लेता है। फिर हम यहाँ पर एक सपोले मित्र को देखते हैं जो उसकी ही ऑफिस में काम करता है। फिर हम देखते हैं कि मेट का दोस्त उसके जूस में एक दवाई मिलाता है जिससे कि मेट शर्त हार जाए, मिला देता है। लेकिन मेट उस जूस को नहीं पीता है। फिर उस जूस को मेट का बॉस पी जाता है। जूस पीने के बाद दवाई का असर दिखना शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी ओर मेट फ्रेंड उसे ढूंढते हुए उसके ऑफिस में आता है। उसे ऐसा लगता है कि वह जूस पी लिया है। इसके बाद वह मेट से कहता है, तो मैं यह शर्त जीत जाऊंगा और इनाम में मुझे 18,000 मिलेंगे जिसे मैं और तुम आधा आधा बांट लेंगे। उसकी बात सुनकर मेट लालच में आ जाता है। इसके बाद मेट टिशू लेकर सीधा बाथरूम में चला जाता है। इसके बाद वह सपोला दोस्त बहुत खुश हो रहा था क्योंकि वह शर्त जीतने वाला था। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि पूरा का पूरा ऑफिस अपना काम काज छोड़कर सब बाथरूम के बाहर जमा हो जाते हैं ताकि वह मेट का कार्यक्रम देख सके। तो वह समझ जाता है कि यह उसका बॉस है। यह सब देखकर मेट बाथरूम के खिड़की से भाग जाता है। फिर वह एरिका से मिलने उसके घर जाता है। वह एरिका के लिए फूल भी लेकर जाता है। वहाँ दोनों एक दूसरे से रोमांस करते हैं, लेकिन सिर्फ ऊपर से सुबह जब एरिका की नींद खुलती है तो मेट वहाँ से जा चुका था। मेट मैथ का 38वां दिन है। मेट को एक प्रेजेंटेशन देना था। जब मेट ऑफिस पहुँचता है, जब मेट घर पहुँचता है तो निकोल उससे मिलने के लिए आती है। निकोल को देखकर मेट को काफी अजीब लगता है। निकोल मेट से कहती है कि उसका उसके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है। वह फिर से मेट के साथ रहना चाहती है, लेकिन मेट निकोल से कहता है कि वह अब उसके साथ नहीं रह सकता है। इसके बाद निकोल क्रिश के पास जाती है और वह मैट पर बेट लगाती है। क्रिश निकोल को बताता है कि जैसे ही मेट के 40 दिन पूरे होंगे, वह एरिका के साथ इंटीमेट होगा। यह सुनकर निकोल को बहुत गुस्सा आता है। वह क्रिश से कहती है कि वह 40 दिन से पहले ही मेट के साथ इंटीमेट होगी। इधर 40 दिन पहुंच चुका है। आज के दिन मेट को सारी लड़कियां हॉट दिख रही थीं। मैं इन सारी चीजों से बचना चाहता था, इसलिए वह अपने भाई के पास चर्च में जाता है। वहां पहुंचकर मेट देखता है कि उसका भाई एक नन के साथ मजे ले रहा है। मेट ने भाई से कहता है कि मुझे अब सारी लड़कियां हॉट दिखाई दे रही है, लेकिन मेट का भाई उससे कहता है कि यहां मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूं। शाम में जब मेट घर आता है तो रेन वहां एक गर्ल को बुलाता है। जब मेट से रहा नहीं जाता तो मेट रेन से कहता है कि मुझे बेड से बांध दो वरना मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। रेन भी अपने दोस्त की हेल्प करता है। वह मेट को बेड से बांध देता है। फिर वह उसे गर्ल को लेकर वहां से चला जाता है। दूसरी ओर एरिका मत से मिलने के लिए तैयार हो रही थी क्योंकि आज मेट का 40 दिन पूरा होने वाला था। जैसे ही 40 दिन पूरा होगा, एरिका और मेट एक दूसरे से खूब गपा गप करेंगे। मेट अपने बेड में बंधा हुआ सो जाता है, लेकिन उसे काफी गंदे गंदे सपने आते हैं। मेट को ऐसा लगता है कि वह सपने में बहुत कुछ कर रहा है, मगर रियलिटी में वहां निकोल आई थी और वह मेट के साथ वह गपा गप कर रही थी। इधर एरिया जब मेरे के पास आ रही थी, वह निकोल को जाते हुए देखकर रोने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि मेट ने उसे धोखा दिया है। एरिका नाराज होकर वहीं से लौट जाती है। कुछ दिन बाद मेट एरिका से मिलता है और उसे मनाने लगता है। एरिका मान जाती है। फिर दोनों एक साथ बहुत खुश होते और एक दूसरे के साथ गपागप करते हैं। एरिका और मेट रोमांस कर रहे थे तो मेट के दोस्त रूम के बाहर कि मेट कितनी देर तक बेड पर टिक पाएगा, और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।